तो गरीब साइंटिस्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम भारत के पहले माइक्रोप्रोसेसर शक्ति के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में चाहिए तो कैप्शंस है, और वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता देता हूँ, अगर आपको कुछ कॉम्प्लेक्स सुनाई दिया तो टेंशन मत लेना, उसका ऐसी एक्सप्लेनेशन जरूर होगा। आज हम देखेंगे कि हमारा शक्ति इंटेल और आर्म से कैसी तुलना करता है, कैसी कंपेयर करता है। हम ये भी जानेंगे कि इंटेल एक दोस्त भी हो सकता है इस केस में। मैंने इस YouTube पे इस विषय पे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, पर बहुत इनकम्प्लीट और बेसिकली न्यूज़पेपर आर्टिकल्स का ट्रांसलेशन ही दे रहे हैं वो लोग। तो चलिए जानते हैं। मैंने सर नील गल्ला से बात की, जो शक्ति के टेक्निकल लीड है। उन्होंने मुझे शक्ति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, उनको थैंक यू। शायद ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो को 60 छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आता है शक्ति क्या है, अगला है शक्ति अलग क्यों है दूसरों से, शक्ति की देसी कॉम्पिटिशन जो सीडैक बना रही है उसके बारे में, शक्ति वर्सेस इंटेल वर्सेस आर्म जो काफी अनएक्सपेक्टेड होगा, इससे निकलने वाला स्टार्टअप इंटेल और आर्म के ऊपर शक्ति कैसे बेटर है ये जानेंगे, और इस पूरे डेवलपमेंट का एक छोटा सा प्रॉब्लम जिसके बारे में एंड में बात करूंगा। तो सबसे पहले शक्ति क्या है। शक्ति IIT मद्रास के राइस ग्रुप में हुआ एक ओपन सोर्स इनिशिएटिव है या पहल है। शक्ति RISC-V इस आर्किटेक्चर पे बना हुआ है। RISC-V क्या है ये मैं एकदम सिंपल वर्ड्स में आपको आगे बता दूंगा। तो शक्ति के तीन काइंड ऑफ कोर्स है या तीन क्लास ऑफ कोर्स है कि E-क्लास, C-क्लास और I-क्लास। E-क्लास जो है वो एम्बेडेड एप्लीकेशंस के लिए, जैसे रोबोटिक कंट्रोलर्स, IoT बोर्ड्स वगैरह वगैरह। C-क्लास जो है वो है मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए, ये 1.5 GHz तक रन कर सकते हैं। I-क्लास एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कोर है जो डेवलपमेंट में है और 2.5 GHz तक चल सकता है। इसके ऊपर के भी उनके प्लान्स है, बट इसमें स्पेशल कोर नहीं होगा, बट I-क्लास और C-क्लास कोर्स के कॉम्बिनेशन होंगे। उनके प्लान्स एक पैराशक्ति कोर बनाने का भी है, या पैराशक्ति प्रोसेसर जो सुपर कंप्यूटर क्लास होगा। इनमें से C-क्लास या I-क्लास चिप्स बहुत सारी चीज़ों में यूज हो सकते हैं, मोबाइल डिवाइसेस या हमारे नाविक के कंट्रोलर्स, नाविक के प्रोसेसर्स, बहुत सारी चीज़ें जिसमें रेगुलर प्रोसेसर यूज होते हैं। इसमें से सी क्लास कोर्स जो है वो आर्म के साथ कम्पीट करेंगे। अगर आपको आर्म कौन है पता नहीं, तो आर्म वही है जो आपके मोबाइल के चिप डिजाइन बनाता है। तो अगर आपने सुना होगा क्वालकम, सैमसंग, मीडियाटेक ये चिप्स बनाते हैं। क्वालकम का सबसे फेमस है स्नैपड्रैगन। तो स्नैपड्रैगन में कोर्स होते हैं जैसे कोटेक्स A55, कोटेक्स A57, कोटेक्स A75। तो ये सब A75, A55 ये डिजाइन है आर्म के। तो ये सब कंपनीज आर्म से लाइसेंस करती है डिजाइन, और फिर उन्हें यूज करती है अपने प्रोसेसर्स में, अपने एक्स्ट्रा चीजों के साथ, एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर के साथ। इसके बारे में हम ज्यादा आगे बात करेंगे। तो दो सी क्लास प्रोसेसर्स ऑलरेडी फैब्रिकेट हो चुके हैं हमारे। एक है जो इंटेल ने फैब्रिकेट करके दिया हमें, जो 22 नैनोमीटर पे बेस्ड है और उसका कोड नेम है राइस क्रिक। और जो दूसरा है वो ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इसे इंडिया में हमारे चंडीगढ़ फैब्रिकेशन फैसिलिटी में बनाया गया। इसका कोड नेम है रिमॉन और ये 180 नैनोमीटर पे बेस्ड है। हाँ, उतना छोटा नहीं है बट स्टार्ट बहुत बड़ी है। ये फैसिलिटी जो है चंडीगढ़ की, वो मोस्टली हमारे डिफेंस नीड्स के लिए काम आती है। तो मैंने पूछा नील गल्ला सर से कि क्या वो फैब्रिकेशन डेवलप करना चाहते हैं खुद का। तो उसका आंसर आपको वो स्टार्टअप सेगमेंट में मिलेगा जो आगे आएगा। तो शक्ति क्यों अलग है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो सबसे अलग बात जो है शक्ति की, जो इसे अलग बनाती है दूसरों प्रोसेसर से, तो इसका मेन पॉइंट है कि वो RISC-V आर्किटेक्चर यूज़ करता है। अब प्रोसेसर आर्किटेक्चर मतलब सिंपल भाषा में बोलूँ तो आप वो लैंग्वेज है जिसके साथ आप प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। अब आपको मैं RISC-V, तो इंटेल और AMD के खुद के आर्किटेक्चर है। इंटेल का x86 और आर्म का खुद का है, तो वो ये चीज़ें किसी का शेयर नहीं करते। अगर आप रिवर्स इंजीनियर करोगे और आपने कमर्शियल प्रोडक्ट रिलीज़ किया, तो आप कोड केसेस बहुत हो सकते हैं और बहुत प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। बट RISC-V ये ओपन सोर्स इनिशिएटिव है। तो अगर RISC-V एकदम सिंपल भाषा में बात बोलने जाओ आपको, तो सपोज आपको एक कार खरीदनी है, बट आपको वो डीलर कार अकेले बेचेगा ही नहीं, कार के साथ आपको ट्रक भी कंपलसरी खरीदना ही पड़ेगा। यही प्रॉब्लम है इंटेल और आर्म के साथ। आप चूज़ नहीं कर सकते आपको कैसा प्रोसेसर चाहिए, आपको कैसा डिज़ाइन चाहिए, कौन से स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन चाहिए, कौन से नहीं चाहिए। जो वो आपको देंगे वो आपको लेना पड़ेगा। बट RISC-V में ऐसा नहीं है। RISC-V में हमको जैसे चाहिए वैसे इंस्ट्रक्शन सेट्स के और कस्टम डिज़ाइन चिप्स हम बना सकते हैं। उनका खुद का स्टार्टअप भी है जिसे Sci-Fi कहते हैं वो लोग। तो ये शक्ति से सिमिलर है उनका भी बिजनेस मॉडल। तो जो शक्ति से स्टार्टअप बाहर निकलेगा IIT मद्रास से, उसका नाम होगा Incor। ये आप नाम याद रखिए क्योंकि थोड़ी देर में उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके बहुत एडवांटेजेस हैं और यही शायद मेन एडवांटेज होगा उसका। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अभी बात करते हैं शक्ति के देसी कंपटीशन के बारे में। तो अगर आपने मेरे परम का वीडियो देखा है,
तो उसमें मैंने विजय भटकर सर के बारे में बात की और सीडेक के बारे में बात की। सीडेक है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये हमारे सुपर कंप्यूटर्स बनाते हैं और एडवांस कंप्यूटिंग में रिसर्च करते हैं। तो ऐसी खबर है कि सीडेक खुद का प्रोसेसर डेवलप कर रहा है। तो मैंने नील सर से पूछा कि ये कॉम्पिटिशन हो गया क्या शक्ति को, तो आप ही सुनो उन्होंने क्या कहा। So we've been working with CDAC. The project that we've been sponsored to develop Shakti, or part of the funding for Shakti, has come through the government. Yeah. And this project is known as the India's Microprocessor Development Program, or Indigenous Microprocessor Development Program. Okay. Right? So there are three entities. So there's IIT Bombay, there's IIT Madras, and there is CDAC. Each of them have been tasked to, you know, approach the same problem of process in different ways. Now, what CDAC is developing is mostly closed source. It's meant for strategic sector use, okay. Or they directly will use it internally, not meant for commercializing. So it's not only for them, or maybe proprietary, not on the open source architecture like this. It's not open source like Shakti. तो जैसे आपने सुना उनके हिसाब से ये उनके इंटरनल यूज़ के लिए है, तो ये पब्लिक नहीं होगा। तो अब सीडेक एग्जैक्टली क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। मैंने विजय सर को मेल भेजा था इसके बारे में, बट मुझे अब तक रिप्लाई नहीं आया। तो अभी हम शक्ति के सी क्लास कोर्स को इंटेल और आर्म से कंपेयर करेंगे। आर्म के केस में नील सर ने मुझे कहा कि ये A55 से कंपेयर होता है, जो एक मोबाइल प्रोसेसर है या मोबाइल कोर है। इंटेल के केस में मुझे नहीं पता, बट ये कंपैरिजन वैसे मैं कर भी नहीं सकता हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि शक्ति का जो शटअप है वो छोटा है, क्योंकि ये दोनों अलग ही आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसर्स वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं, वॉन न्यूमन। आप सुनो, अब मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, बहुत सिंपल भाषा में बता दूंगा। जबकि शक्ति हार्वर्ड आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं। तो प्रोसेसर को लगता है इंस्ट्रक्शंस और डेटा, इसे हम विजुलाइज करेंगे एज वाटर एंड गैस। इंस्ट्रक्शन हमें बताते हैं कि डेटा के ऊपर क्या एक्शन लेनी है। तो न्यूमैन आर्किटेक्चर जो है वो सेम पाइप यूज़ करता है वाटर और गैस के लिए, जबकि हार्वर्ड आर्किटेक्चर सेपरेट पाइप्स यूज़ करता है पानी और गैस के लिए, जिसके वजह से परफॉर्मेंस बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है हार्वर्ड आर्किटेक्चर के साइड पे दिखा तो। बट ऐसे कुछ एडवांटेजेस है शक्ति के जो इन दोनों के पास बिल्कुल नहीं है। तो अभी हम बात करेंगे स्टार्टअप के बारे में जो इस सबसे बाहर निकलेगी। उसका नाम होगा इनकोर। उनका बिजनेस मॉडल जो है वो आर्म से बहुत सिमिलर होगा, मतलब वो चिप डिजाइन में ज्यादा इंटरेस्टेड है और मैन्युफैक्चरिंग में कम। अगर आपको अपना खुद का एक कस्टम प्रोसेसर बनाना है तो आप इनसे बना के ले सकते हो, बट आपके ऊपर है अगर आप इनके थ्रू मैन्युफैक्चर करना चाहते हो इनके पार्टनर्स के थ्रू, या आपको खुद का कोई है क्लाइंट या कोई है डील किसी के साथ। तो अगर सपोज इसरो या DRDO एक चिप बनाना चाहती है जो ओनली इंजन मूवमेंट कंट्रोल करेगा, तो उतना स्पेसिफिक वो डिज़ाइन करवा सकती है इनकोर से, और फिर इसरो डिसाइड करेगा कि कहाँ से मैन्युफैक्चर होना चाहिए, चाहे वो अपनी खुद की फैसिलिटी चंडीगढ़ में या इंटेल या TSMC या जो भी कंपनी। तो जैसे मैंने पहले कहा, आर्म का बिजनेस मॉडल बहुत सिमिलर है। तो वो अपने कोर्स बनाती है, क्वालकॉम जैसे ब्रांड्स उनसे कोर्स लाइसेंस करते हैं, फिर क्वालकॉम खुद डिसाइड करती है कि वो कहाँ से मैन्युफैक्चर होगी। पिछले साल सैमसंग से करवाया था, इस साल TSMC से करवा रही है क्वालकॉम। बट एक प्रॉब्लम है कि आर्म बहुत पैसे कमाता है क्योंकि उनका खुद का आर्किटेक्चर है, और उनका जो आर्किटेक्चर है वो ओपन सोर्स भी नहीं है। इनकोर जो है उनके हिसाब से बहुत कम कमाएगी, क्योंकि उनका पहले तो आर्किटेक्चर ओपन सोर्स है, तो आप बेसिकली ओनली डिज़ाइन के लिए पे कर रहे हो या लाइसेंसिंग फीस डिज़ाइन का। तो हाँ, वो एक चीज़ है जो स्टार्टअप को सहन करनी पड़ेगी। इनकोर के पार्टनर्स है खुद के मैन्युफैक्चरिंग के, तो अगर आप करना चाहते हो तो वहाँ से भी हो सकता है। तो बड़े प्रॉब्लम की बात करने से पहले शक्ति के एडवांटेजेस जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है सिक्योरिटी। जब आप किसी से प्रोसेसर खरीदते हो, हमें वही बता होता है जो वो हमें बताते हैं, हमें कुछ आइडिया नहीं है। तो अगर कुछ सिक्योरिटी लूप होल्स या वल्नरेबिलिटीज छुपे हैं तो हमें शायद कभी ना पता चले। इस साल जैसे इंटेल का वो दो मेजर बग्स फाइंड किए गए थे, बहुत बड़ा इशू हो गया था। बट अगर आप शक्ति से कंपेयर करोगे तो आप खुद इन्वॉल्व होते हो डिज़ाइन प्रोसेस में, तो आपको पता है क्या है कैसे है, और ऑफकोर्स वो एक इंडियन कंपनी तो ट्रस्ट फैक्टर तो है ही। कस्टमाइजेबिलिटी, यानी कि जैसे चाहे वैसे प्रोसेसर हम बना सकते हैं। जैसे मैंने अपने प्रीवियस कार ट्रक एग्जाम्पल में बताया था, अगर आपको दो व्हील की कार चाहिए तो वो भी आप बना सकते हो, आपको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा क्यों चाहिए कैसी चाहिए। जैसे मैंने कहा, ये तो एक इंडियन कंपनी है तो वो ट्रस्ट फैक्टर तो है ही इसमें। तो भी बड़े प्रॉब्लम की बात करते हैं। आई बटन में मैं एक पोल दूंगा, आप मुझे ऑनेस्टली बताओ
आप में से किस किस को शक्ति के बारे में इस वीडियो देखने से पहले पता था? हमें आजकल सब कुछ पता होता है, हर एक गॉसिप पता होती है, बट साइंटिफिक अचीवमेंट स्प्रेड नहीं होते हैं। मीडिया भी दिखाती नहीं है, उनको बस मसाला चाहिए। तो अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो प्लीज़ शेयर कर दो। अगर आप प्रोफेसर वगैरह हो तो अपने स्टूडेंट्स को ज़रूर दिखाओ, और स्पेशली अगर आप फेसबुक की कोई ग्रुप में शेयर कर सकते हो तो बहुत मेहरबानी होगी। हमें पता होना चाहिए हमारे अचीवमेंट्स के बारे में। सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत। ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी।